हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको UP SSSC में युवा कल्याण अधिकारी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं कि ये कट ऑफ कितने जाने की संभावना है, और इसके बाद मैं इसके युवा कल्याण अधिकारी के रिजल्ट के बारे में कुछ बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। और इसमें देखिए, ये बहुत ही कम सीट है, 652 सीट के लिए है, तो लेकिन इसका पेपर भी कुछ हिसाब से टफ और इजी दोनों टाइप में आया हुआ था। तो उसके बाद देखिए, जो कट ऑफ होने की संभावना है, इसकी संभावित, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। और यहाँ देखिए, मैंने बहुत लोगों से पता किया, यहाँ तक कि सोशल साइट्स जितने भी हैं वहाँ से या फिर पर्सनली जाकर मिलकर जितना भी कोचिंग्स वगैरह में से पता चल पाया, तो उस हिसाब से मैंने ये कट ऑफ जारी किया है। और बहुत ही एनालाइज करने के बाद ये कट ऑफ मैंने एक एवरेज जो होता है उसे मैंने लिया है। तो ये कट ऑफ बताने से पहले एक ज़रूरी बात आपसे बता देता हूँ कि आपका सीट तो आप जान रहे हैं बहुत कम है, उसके अलावा आपको क्या करना है कि मैं जितने भी कट ऑफ बताने जा रहा हूँ उन सभी कट ऑफ के अगर आसपास भी आपके 2-4 नंबर 5 नंबर इधर उधर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फिजिकल की तैयारी सब लोग कीजिए, क्योंकि आपकी रिजल्ट बहुत जल्द आने वाली है। और फिजिकल अगर आप की अच्छी हो जाए, फिजिकल आप अच्छे से तैयार करते हैं, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका थोड़ा बहुत इस कट ऑफ से कम भी नंबर है तो भी आपको चांस मिल सकता है। क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है कि पढ़ने लिखने वाले जितने भी लोग होते हैं उनकी फिजिकल कुछ लोगों को छोड़कर फिजिकल में बहुत कमज़ोर होते हैं, और जिनकी जो लोग भाग दौड़ ज़्यादा करते हैं, फिजिकल जिनका अच्छा होता है, उनका अक्सर देखा जाता है कि थोड़ा पढ़ाई में या फिर कुछ कम नंबर्स वगैरह लाते हैं। लेकिन यहाँ पर उतनी बात ये नहीं है, और इस सभी को मैं देखते हुए ये आपसे को एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप लोग फिजिकल की तैयारी ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी जैसे ही रिजल्ट आने वाला है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का इंटरव्यू का रिजल्ट जब आएगा, फाइनल रिजल्ट, उसके कुछ दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद आपका लगभग रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा सूचना मिला है। और चलिए देखते हैं कट ऑफ क्या होने की संभावना है। यहाँ देखिए, जनरल की कट ऑफ जो जाएगी वो 227 से 239 जाएगी, क्योंकि पेपर आप जान रहे हैं, पेपर दिए हुए हैं आप, तो आप जान रहे हैं पेपर कितना टफ था, और उस हिसाब से ये कट ऑफ निकाला गया है। और गर्ल्स की जो कट ऑफ जाएगी यहाँ 217 से 228 जाएगी। बहुत लोगों कहते हैं कि सर आप अलग अलग कट ऑफ बताइए कि गर्ल्स की कितने जाएगी, पीएच कैंडिडेट की कितने जाएगी, स्पोर्ट्स पर्सन की कितने जाएगी। तो मैं उसी को देखते हुए आज मैं ये कट ऑफ यहाँ पर जो बता रहा हूँ, इसीलिए सभी अलग अलग से मैं कट ऑफ यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ जाएगी 220 से 235 के बीच में जाएगी, और वो ओबीसी गर्ल्स की बात करें तो वो 212 से 228 के बीच में जाने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में आप देखते हैं 205 से 218 जाने की संभावना है एससी की कट ऑफ। और एससी में गर्ल्स की अगर बात कर ले तो गर्ल्स की जो कट ऑफ जाएगी वो 198 से 208 के बीच में रहने की संभावना है। ठीक है, और आप लोग कमेंट जब भी करें तो ये अपने स्कोर भी बता दिया करें कमेंट में कि आपके कितने स्कोर हैं। तो उस तरह से अगर बाय द वे मेरा अगर कट ऑफ थोड़ा बहुत अंतर आता है तो मैं उसमें सुधार करके आपके लिए एक सही दिशा निर्देश करूँगा, और अपना स्कोर ज़रूर बताया कीजिए कमेंट में। इसके बाद देखिए एसटी की बात करते हैं, तो एसटी में देखिए 200 से 210 जाने की संभावना है, जो कि इसकी कट ऑफ इतनी जा सकती है, इससे 2-4-5 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, अनऑफिशियल कट ऑफ है।
और गर्ल्स की बात करें तो एसटी कैटेगरी में गर्ल्स की वो कट ऑफ जो जाएगी वो 190 से 203 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पीएच कैटेगरी की बात करें, पीएच हो गए, एक सर्विसमैन हो गए, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, तो इन सभी की एक एवरेज मैं बता रहा हूँ, 188 से 195 के बीच में रहने की संभावना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबको एक सजेशन यही दूंगा कि आप सभी लोग जितने भी हैं एग्ज़ाम दिए जिनका पेपर अच्छा हुआ है, और अगर इन जो मैं कट ऑफ बताया हूँ उस कट ऑफ के आसपास अगर आपका नंबर आता है, दो चार नंबर ज़्यादा या कम, तो आप खुद को सेफ मानिए और फिजिकल की तैयारी में जुट जाइए। अभी से आप फिजिकल की तैयारी करेंगे तो आप का बहुत ज़्यादा आगे चलकर फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए, और आज के लिए बस इतना ही, तब के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और अपने विचार को ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। जो लोग पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।